मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज की कुछ बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं, एक एक करके हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी चर्चा तो मालदीव को लेकर है कि मालदीव के 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की थी, उनको सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि मालदीव को पता है कि वो अगर भारत ने आँख भी दिखा दी तो वो उसकी सारी इकोनॉमी खराब हो जाएगी, यानी उन लोगों को खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो इसलिए सरकार ने तुरंत रिएक्शन किया और उन अपने 3 मंत्रियों को हटा दिया, उस पर चर्चा करेंगे। और इसके अलावा राम मंदिर को लेकर बहुत चर्चाएं हैं, बहुत ज़्यादा उस पर काम चल रही है। और अब शुरुआत हम करते हैं OPS से, यानी पुरानी पेंशन स्कीम से लेकर, क्योंकि वो एक बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे को लेकर हम लगातार आपके लिए खबरें लेकर आ रहे हैं। दरअसल पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 8 जनवरी से और 11 जनवरी तक कार्मिक अनशन शुरू हो रहा है, यानी लोग भूख हड़ताल करेंगे और सरकार पर दबाव डालेंगे। और ये जो कर्मचारी हैं वो रेलवे की एसोसिएशन है, यूनियन है, उसको लेकर, क्योंकि इस देश में सबसे बड़ी यूनियन तो रेलवे की है। तो रेलवे ने जब आंदोलन किया तो उसमें देश भर का उसका इम्पैक्ट हुआ। तो जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियो को मैं बता चुका हूँ कि महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, यहाँ 2005 से पहले जिन लोगों के अपॉइंटमेंट हुआ है उनको OPS मिल चुका है, यानी जो सरकार ने 1 अप्रैल 2004 से लागू किया था, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर और केंद्र सरकार के एक नोटिफिकेशन के कारण जिन लोगों का अपॉइंटमेंट 1 नवंबर 2005 तक हुआ उनको OPS मिल गया। तो बाकी जो सरकारी कर्मचारी हैं वो सब कह रहे हैं कि हमें 2004 के बाद जो सरकार ने NPS लाया है उसको ख़त्म करना चाहिए और OPS देना चाहिए। तो उसके लिए देश भर में जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, महाराष्ट्र में भी हो रहे हैं और अन्य जगहों में भी। तो रेलवे की एसोसिएशन ने प्रयागराज में कार्मिक अनशन शुरू करने का फैसला किया और उसके बाद फिर ये लोग दिल्ली आ जाएंगे और दिल्ली में फिर इन लोगों का अनशन होगा और ये सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि जो लोगों के सरकारी कर्मचारियों की डिमांड है कि 2004 के बाद जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं उन अपॉइंटमेंटों में उनको OPS दी जाए। तो जैसे भी होगा मैं उसके बारे में आपको चर्चा करूँगा। लेकिन मित्रों हम अफगानिस्तान की चर्चा करते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो वहाँ का टूरिज्म है उसमें 11% भारतीयों का हिस्सा है। यानी हमारे यहाँ अगर किसी भारतीय के पास पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा होता तो फिर लोग यूरोप चले जाते हैं या अमेरिका चले जाते हैं, लेकिन अगर कम पैसा है तो या तो आप थाईलैंड और मलेशिया वगैरह चले जाते हैं और या फिर मालदीव जाते हैं, मॉरिशस मालदीव जाते हैं, सस्ता है और वहाँ भारतीय बहुत ज़्यादा है, तो वो अपनापन सा है वहाँ पर। चूँकि जो मालदीव की पूरी जो सुरक्षा रक्षा, उनका खाना पीना, वो भारत से ही जाता है। और हालांकि जो पिछली सरकार वहाँ आई थी तो उन्होंने चीन की तरफ कदम बढ़ाया, तो चीन ने उनका बहुत बड़ा हिस्सा कब्जा कर लिया है, उनके जो द्वीप है उन पर कब्जा करके वहाँ अपनी मिलिट्री स्टेशन बना रहा है। तो अब उनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने भारत से दूरी करके गलती की, क्योंकि भारत अपने पड़ोसियों से बहुत ही मधुर संबंध रखता है। तो आज जो 3 मंत्री हैं मालदीव के, उन 3 मंत्रियों में एक तो मालशा शरीफ है, एक मारियम सुइना है और एक है अब्दुल्ला महजूम मस्जिद। तो जो मालशा शरीफ हैं वो कैबिनेट मंत्री हैं और जो अब्दुल्ला है और मारियम है ये MOS है, यानी स्टेट मंत्री है। तो इनको 3 को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने, अगर आपको याद हो, पिछले हफ्ते अपने लक्षद्वीप की यात्रा की थी और उन्होंने लक्षद्वीप के समंदर में, उसके बीच पर उन्होंने चहलकदमी की थी और समंदर में उन्होंने स्नॉर्कलिंग भी की थी, यानी पानी के अंदर डुबकी लगाई थी। तो वो वीडियो बहुत वायरल हुआ और उन्होंने देशवासियों से अपील की थी कि वो लक्षद्वीप जरूर आएंगे यहाँ टूरिज्म के लिए।
तो उसको लेकर मालदीव के तीन मंत्रियों ने टिप्पणी की और उनका ये कहना था कि मालदीव जो है वो भारत के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं मालदीव, तो लक्षद्वीप की तरफ नहीं। तो उन्होंने कुछ अपशब्द बोल दिए थे, तो उसके बाद से मालदीव सरकार ने, यानी जो हमारे वहाँ उच्चायुक्त हैं मालदीव में, उन्होंने इस पर रिएक्शन किया और मालदीव सरकार से अपनी चिंता व्यक्त की और अपना विरोध जताया। तो उसके बाद हायर लेवल पर उन तीनों डिसीजन लिया गया कि उन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया, और उसके बाद एक बयान जारी हुआ। और उस बयान में वहाँ की सरकार ने कहा कि हमारा उन जो तीनों मंत्रियों ने बयान दिए हैं वो उनके निजी हैं, उनका सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करते, और उन्होंने उनको उनके खिलाफ एक्शन ले लिया। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी व्यक्ति, जो भी अधिकारी है, अगर कोई भारत सरकार के खिलाफ कोई टिप्पणी करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये इस तरह से ये जो दोनों देशों के बीच में जो संबंध है उन संबंधों में आँच ना आए, क्योंकि मालदीव की अपनी कोई इकोनॉमी नहीं है, वहाँ सिर्फ मछली पालन हो सकता है, मछली खा सकते हैं लोग, उनको राशन पानी जो भी वो भारत से चाहिए। और तो चीन अभी उनकी थोड़ी सी बीच में मदद करने लग गया था, क्योंकि वहाँ सरकार आई थी वो भारत विरोधी सरकार थी, लेकिन अब उनको एहसास हो रहा है कि चीन ने उनका बहुत सारा हिस्सा हड़प लिया है। तो मित्रों, इस पर हमारे जितने बॉलीवुड के स्टार हैं, चाहे अक्षय कुमार हो और दूसरे हमारे जो लोग हैं, उन्होंने इस पर कमेंट किया। क्रिकेटर हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, चाहे हार्दिक पांड्या हो, इन सब ने टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस ने भी इसमें सरकार का साथ दिया, कांग्रेस ने कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और इसको सरकार को बहुत मजबूती से उठाना चाहिए। तो ये आज बड़ा मामला रहा, तो मालदीव के राष्ट्रपति ने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है और अब जो है ये मामला निश्चित तौर पर, मामला तो शांत हो जाएगा, लेकिन इससे क्या नुकसान हुआ मालदीव का, कि जिन भारतीय लोगों ने मालदीव की बुकिंग कराई थी टूरिज्म के लिए, उन्होंने कैंसिल कर दिए और बहुत तेज़ी से संख्या घटी हो, यानी जो मालदीव की इकोनॉमी है उसमें 11% भारत का हिस्सा है, तो उसको निश्चित तौर पर नुकसान हो, क्योंकि भारत ने तुरंत उसको भारतीय लोगों ने अपने आप स्वेच्छा से अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी है। तो मित्रों, ये तो मालदीव का मामला रहा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल पुलिस ने ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की दी है, कर दी है। आपको याद हो कि ईडी ने 2 दिन, जो शाहजहां वहाँ का जो टीएमसी का लीडर है, ऐसा कहा जाता है कि वो रोहिंग्या है, यानी बांग्लादेशी है, म्यांमार का है, और वहाँ के जो राज्यपाल है उन्होंने जो ये शेख है शहनशाह शेख, उन्होंने कहा कि इसके आतंकी संबंधों की जांच होनी चाहिए। तो राज्यपाल ने भी इसमें इसमें कूद गया है इस विवाद में। तो दो टीमों पर जो शाहजहां शेख के लोगों ने हमला किया था, तो पश्चिम बंगाल पुलिस ने उल्टा ईडी पर ही एफआईआर दर्ज कर दी है और अभी मामला नेचुरली अब राज्य और सरकार गवर्नमेंट के मामला हो गया है। अभी इस पर इशू बनेगा बड़ा, इसमें झगड़ा होने वाला है आने वाले दिनों में। इसके अलावा मित्रों, कुछ और खबरें हैं, जैसे कि वायुसेना ने, जो वायुसेना का C-130J परिवहन विमान है, वो करगिल में रात के समय सफलतापूर्वक उतर गया। आपको पता है कि करगिल में जो करगिल का एयरपोर्ट है वो सेना का है और रक्षा के हिसाब से, इन्हें स्ट्रेटेजी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से ही पाकिस्तान पर हम लोग नज़र रखते हैं और यहाँ ज़्यादा लाइटिंग वगैरह नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान अटैक कर सकता है, इसलिए अंधेरा रहता है। तो उस अंधेरे में वायुसेना का C-130J जो ट्रांसपोर्ट विमान है वो रात के समय उतरा और इससे एक इतिहास बना कि हमारा जो वायुसेना है उसमें कितनी सक्षम हो गया है हमारी वायुसेना। तो ये एक खुशखबरी थी हमारे देश के लिए कि करगिल में हम लोगों ने। इसके अलावा मित्रों, आज
जो ईडी ने फेमा में केरल के पूर्व वित्त मंत्री थॉमस इसहाक को समन भेज दिया है, वहाँ भी बड़ा मामला चल रहा है, घोटाला चल रहा है जो पिछली सरकार का, तो उसमें ईडी ने समन भेजा है तो उसकी जांच होगी। और मित्रों आपको पता है कि 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा होगी, और इसके लिए विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोग हैं वो जगह जगह जाकर जो पर्सनालिटी हैं उनको निमंत्रण पत्र दे रहे हैं। और आज जो आरएसएस के प्रचार प्रमुख हैं सुनील आंबेकर, उन्होंने आज रणवीर और आलिया भट्ट को निमंत्रण पत्र दिया, और उसके अलावा उन्होंने और भी लोगों को जो मुंबई की हस्ती है उनको निमंत्रण पत्र दिया। और मंदिर के निर्माण प्रक्रिया को विघ्नों से बचाने के लिए एक वेद पाठ भी चला है। और जो मोहम्मद हबीब राव है वो मिर्जापुर के, उनको भी इनविटेशन मिला है क्योंकि उन्होंने भी कार सेवा की थी। तो कार सेवक हैं ये मिर्जापुर के मोहम्मद हबीब हैं, वो बहुत भावुक हुए जब उन्हें अयोध्या के लिए चावल के कुछ दाने यानी अक्षत मिला, और उसके साथ उनको मंदिर में एक तस्वीर भी उन्हें मिली है और उनको उनको इनविटेशन मिला तो वो बड़े खुश हुए। तो मित्रों इसके अलावा आज थोड़ा सा पॉलिटिकल खबर करते, कल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मीटिंग है और उनमें गठबंधन को लेकर चर्चा होगी कि कितनी सीटें किसको मिलेंगी, मिलेंगी भी नहीं मिलेंगी, इस पर चर्चा होगी। और इसके अलावा जो बिहार में आरजेडी और जेडीयू के बीच झगड़ा हो गया है, जो सरकार में है गठबंधन है जिनका, उनके बीच झगड़ा हो गया क्योंकि नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी की लोकसभा सीट दिनेश चंद्र ठाकुर को दे दी है, और आरजेडी का कहना है कि हमसे डिस्कस नहीं किया क्योंकि जब गठबंधन है तो मिल बांट कर हमको इसका फैसला करना था। तो वो भी एक इशू बन रहा है कि गठबंधन से पहले गठबंधन टूट रहा है, बिखर रहा है। और मायावती ने भी अखिलेश यादव पर टिप्पणी की है, अखिलेश यादव ने कल टिप्पणी की थी कि मायावती के साथ गठबंधन तो कर ले लेकिन चुनाव के बाद उनको कौन संभालेगा, तो इस टिप्पणी से मायावती बहुत आहत हुई। और आज उन्होंने टिप्पणी किया कि अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का इतिहास खराब रहा है, उनका दागदार इतिहास है, वो बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए समाजवादी पार्टी कुख्यात है, ये कहना है मायावती का। जबकि सच ये है कि मायावती ने ही बीजेपी को सपोर्ट किया था सिर्फ, और केंद्र में सपोर्ट किया था और राज्य में भी दोनों की गठबंधन की सरकार बनी थी, और बाद में मायावती ने बीजेपी को जो बहन मायावती ने बीजेपी को धोखा दे दिया था, यानी वो जो 6 ढाई ढाई साल का उनका एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट से उन्होंने वो एग्रीमेंट को पूरा नहीं किया था बल्कि समर्थन वापस ले लिया था, फिर बीजेपी सरकार नहीं बना पाई थी, सरकार गिर गई थी। तो और समाजवादी पार्टी और बसपा का भी गठबंधन हुआ था और उन दोनों की सरकार भी बनी थी लेकिन फिर दोनों में खटपट हो गई, और उन्होंने विधानसभा चुनाव भी साथ लड़ा था लेकिन बाद में उनमें मतभेद खड़े हो गए तो फिर दोनों दल आपस में दूर उन्होंने दो दोनों ने दूरियां बना ली। और इसके अलावा मित्रों कांग्रेस की सत्ता में वापसी असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर, ये थरूर का कहना है, और थरूर तो अपनी पार्टी को ही नुकसान करता रहा है। आज मित्रों क्रिकेट की टीम की घोषणा हो गई है, भारत और अफगानिस्तान के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हो गई है, और रोहित शर्मा कप्तान होंगे, विराट कोहली को भी जगह मिल गई है। इससे पहले जो अभी टीम खेल रही थी उसमें इन दोनों लोगों को रेस्ट दिया गया था। और दूरसंचार विभाग ने M2M रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है, पात्र संस्थाओं में डब्लू पैन एवं डब्लू लेन का पंजीकरण भी अनिवार्य होगा, यानी जो M2M है यानी जो कंपनियां इंटरनेट उपलब्ध कराती हैं उनको उनको कहते हैं मशीन टू मशीन, और जो आपके इंटरनेट और डीटीएच और तो टेलीकम्युनिकेशन की सुविधा है उनको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा, जो आपके घरों में डब्ल्यू लेन और डब्ल्यू पेन के माध्यम से
इंटरनेट की सुविधा देते हैं या टेलीकॉम कम्युनिकेशन क्षेत्र में, उनको रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी। आपको प्रोग्राम कैसा लगा जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे ही आपके लिए नए नए प्रोग्राम लाता रहूँगा। तब